हमारा तिपरासा का प्रॉब्लम है। ग्रेटर तिपरा लैंड का बिल पास हुआ है, ग्रेटर तिपरा लैंड अभी तक मिला नहीं है। जिस दिन ग्रेटर तिपरा लैंड मिलेगा उस दिन हम लोग इससे 10 टाइम ज्यादा बॉम्ब फटाएगा। लेकिन आज एक मैसेज किया है दिल्ली में, एक मैसेज किया है कि पहला काउंसिल का सेशन में हम लोग ने ग्रेटर तिपरा लैंड का बिल को पास किया है। ये बिल गवर्नर के पास जाएगा और यहाँ में मीडिया है, मीडिया भी एक मैसेज पूरा इंडिया को भेजेगा कि जब तिपरा मौथा पावर में आया तो उन्होंने मंत्री के लिए बात नहीं किया, उन्होंने एमपी के लिए बात नहीं किया, वो लोग तिपरा दोहा के लिए बात किया। इसके लिए पहला सेशन में ग्रेटर तिपरा लैंड का बिल पास हुआ। लेकिन और एक अच्छा बात सुनो, आज जब ये बिल पास हुआ तो बीजेपी जो विपक्ष में है उसने विरोध नहीं किया, चुप रहा, मतलब अनुपोष पास हुआ। बीजेपी ने ग्रेटर तिपरा लैंड के विरुद्ध में एक शब्द नहीं बोला, ये बिल जो पास हुआ है अनअपोज पास हुआ है। थंसा उसको बोलता है, थंसा इलेक्शन जीतने के बाद विजय मिशेल करके तिपरा सा विलेज कमेटी को मारेगा, कोई इसको मारेगा, उसको थंसा नहीं बोलता, बुगाकरा को दुख लगता है। आज यहां मैं आपको बोलने आया हूं, मैं एमसी देवर्मा नहीं हूं, हताई कतौर में बोल दिया तिपरा लैंड मिल गया सब लोग खुशी, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अभी तो बहुत काम करना है, अभी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अभी कोई झूठ का बात नहीं होगा, अब सिर्फ दोहा का बात होगा, क्योंकि हमको इस हां में इस राज्य में सिर्फ तुमुल नहीं पूरा अपना जो तिपरासा का एरिया है उसमें चीनी शासन करना है। यहां में सबसे पहले हम अपना सीएम को थैंक यू बोलना चाहता है, यहां में डेप्यूटी लीडर है हमारा सब, वहां में अनंत बाबू से लेके रविंद्र बाबू से लेके सौदागर भवरंजन राजेश कमल गणेश धीरेन सोहेल उमा देवजीत सब लोग जो यहां में है, मैं सबको जो काउंसिल में था MGC EM मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं। क्योंकि आज जो बुबागरा है, बुबागरा हमेशा बोलता था पुइला जाति उलोबो जाति, इसके लिए बुबागरा ने एक, जिस दिन हम लोग पावर में आया, पहला बार मैं बात कर रहा हूं पावर आने के बाद, मैंने सीएम का पोस्ट में भी अपना पूर्ण को दिया, डेप्यूटी लीडर अनिमेश को दिया, वहां में अपने पूर्वी को दिया जॉली, और सबसे अच्छा बात क्या है, थंसा बोलता था इलेक्शन का पहले, सब लोग थंसा बोलता है, इलेक्शन खत्म कोई थंसा के बारे में बात नहीं बोलता है, लेकिन थंसा हुआ जब तिपरा मौथा जीता, सिर्फ तिपरा मौथा नहीं INPT तिपरा मौथा जीता, इलेक्शन के बाद पहला बार, इलेक्शन का पहले झूठ होता है, इलेक्शन का पहले सब झूठ करता है जीतने के लिए, इलेक्शन के बाद इतिहास में त्रिपुरा का इतिहास में पहला बार इलेक्शन खत्म होने के बाद, हमारा विजय बाबू कहां है, विजय रामबल प्लीज, विजय बाबू पहला बार INPT और तिपरा मौथा का खंसा हुआ। और एक लीडर है यहां में,
लेकिन मैंने देख लिया इनको, चित्तो बाबू टीएसपी प्रेसिडेंट प्लीज कम चित्तो बाबू। त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी आज जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड के बारे में बात करता है, इनमें इनका भी बहुत बड़ा रोल है। और हम लोग का वाईटीएफ रुनेल पितौर जो भी है, हम लोग का जो आज खांचा हुआ है, इसीलिए आज ग्रेटर त्रिपुरालैंड का बिल पास हुआ। सिर्फ बिल पास हुआ है, लेकिन जब तक हम लोग को राइटिंग में दिल्ली हम लोग को ग्रेटर त्रिपुरालैंड का गारंटी नहीं देता है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपना दोहा देता। और इसके लिए बुबाका को पद नहीं चाहिए, प्रेसिडेंट त्रिपुरा माता का विजय बाबू सीएम पूर्ण है, अनिमेश है, चित्तो बाबू है, यहां में सब लोग है। बुबाकरा को बुबाकरा है, बुबाकरा ही रहेगा। हमको ना पद चाहिए, ना पोस्ट चाहिए, ना लाल बत्ती चाहिए, हमको सिर्फ एक चीज चाहिए, हमको ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए। और जिस दिन ये मिल गया, मैं वापस चला जाऊंगा, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स नहीं, बुबाकरा राजनीति नहीं चाहिए। है अनिमेश लोग है, चित्र बाबू लोग है इनको। लेकिन नंबर वन गोल, जब आप युद्ध में जाता है, जब आप लक्ष्य रखता है, तो लक्ष्य के सामने टारगेट होना चाहिए। टारगेट कभी मंत्री का नहीं होना चाहिए, टारगेट कभी एमपी का नहीं होना चाहिए, टारगेट कभी चीफ मिनिस्टर का नहीं होना चाहिए, टारगेट तोहफा के लिए जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड है वही टारगेट। यहां में आपने हमको जिताया, लेकिन जो बुबाकरा इलेक्शन का पहले था, आज भी वही बुबाकरा है। हम बदला नहीं है, हमको नहीं बदलना, क्योंकि जब तक मैं अंदर से तिपरासा हूं ना, आपको कोई हरा नहीं सकता। जिससे हम ही बदल गया, तो हम लोग का दफा का क्या होगा। इसके लिए यहां में जो भी दूसरे पार्टी का है, जो आईपीएफटी से है, जो टीपीएफ से है, पता लगा, मैं सबको अनुरोध करना चाहता हूं, आज कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप आओ हमारे पार्टी में, आप आओ हमारा मूवमेंट में, क्योंकि हर त्रिपुरासा जो गणमुक्ति परिषद से है उसको भी मैं निमंत्रण करता हूं, जो बीजेपी के जनजाति मोर्चा से है मैं उसको भी निमंत्रण करता हूं, आप आओ। और एक लास्ट मैसेज, त्रिपुरा मोर्चा जीतता है, कोई हारता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत खराब लगता है जब विलेज कमेटी के लिए, पोस्ट के लिए त्रिपुरासा से झगड़ा करता है। मैं अनुरोध करता हूं, प्लीज अगर फाइट करना है तो सीए के खिलाफ फाइट करो, अगर फाइट करना है तो एनआरसी के लिए फाइट करो, अगर फाइट करना है तो त्रिपुरालैंड के लिए, ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए फाइट करो, फाइट त्रिपुरासा के साथ मत करो। ये जब त्रिपुरासा को मारता है तो हम लोग का थानसा टूटता है। क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? एक पोस्ट, कोई चेयरमैन बनेगा, कोई सब जोनल बनेगा, कोई विलेज कमेटी बनेगा, ये पोस्ट में कुछ नहीं है। मुबादरा भी पोस्ट के पीछे नहीं है। अगर फाइट करना है तो हार के लिए फाइट करो, फाइट करना है तो सम्मान के लिए फाइट करो, फाइट करना है तो अपना बुरे लोगों के लिए, अपना सैकड़ा के लिए, अपना सिकली के लिए, अपना भविष्य के लिए फाइट करो, एक दूसरे का पद के लिए फाइट मत करो। जिस दिन आप लोग एक दूसरे को मारता है, मेरा दिल टूटता है, मुझे खराब लगता है, मैं सच बोलता हूं, प्लीज इससे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 70 साल से हम लोग एक दूसरे को फाइट कर रहा है, एक देवबर्मा से फाइट करता है, जवंतिया रियांग से करता है, रियांग मोलसोम से करता है, मोलसोम त्रिपुरा से करता है, कोलोय अपना रंगोल से करता है, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। हाँ चला गया, आप लोग फाइट कर रहे हैं एक पोस्ट के लिए, एक पद के लिए, कुछ नहीं मिलता है। चाहिए तो अपना हाल है, अपना शासन चाहिए, अपना राज्य में अपना शासन चाहिए, और ग्रेटर त्रिपुरालैंड उस दिन होगा जिस दिन आप लोग पद और रंग के पीछे नहीं फाइट करें, अपना एक मकसद, 18 महीना, सिर्फ 18 महीना, अगर
कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पद झूठ के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 18 महीना, अगर 18 महीना हम लोग एक रहा तो और 100 साल हम लोग का शासन होगा, लेकिन 18 महीना हम लोग को तोड़ने के लिए बहुत लोग आएगा। कोई बोलेगा क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, कोई देव वर्मा, जगत्या, रियांग, कुछ नहीं मिलेगा। आपको ढांचा रखना है, इसके लिए अगर हम लोग का बुरी लोग आपका ऊपर बहुत हमारा उम्मीद है, आप लोग को हमारा दफा को आगे से रोक के रखना है। और हमारा सैकला यहां में ड्रग्स का इतना प्रॉब्लम, ड्रग्स लेके क्या मिल रहा है आपको? ड्रग्स लेके हमारा भविष्य खराब हो रहा है। ड्रग्स बेचता है, बांग्लादेश से आता है ड्रग्स, हम लोग का 3 साल मिलता है, क्या मिलता है? नशा, कुछ नहीं मिलता। अगर आपको भविष्य के लिए फाइट करना है तो नशा में फाइट नहीं करो, जोश में फिट होकर फाइट करो। आज गुबाग्रा फाइट कर सकता है क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसा नहीं। आप लोग को अगर गुबाग्रा जैसा बनना है तो ये नशा, ये जो ड्रग्स है, इसको छोड़ो, फाइटिंग छोड़ो और एकता लाओ। और 18 महीना 2023, फरवरी 2023, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर हम लोग ने यहां में किसी ने सब लोग एक होके रहा, आप लोग एक होके रहा, पब्लिक एक होके रहा, तिप्रा सा एक होके रहा, तो ग्रेटर तिप्रा लैंड अपना हाथ में हम लोग लेके आएगा। जला जो हम आए यहां में, जो हमारा काउंसिल का मेंबर है, ये बिल आज तक ऐसा बिल आईपीएफपी 3.5 साल से असेंबली में बैठा था, चुप रहा। आईपीएफटी 3.5 साल से असेंबली में एक बार भी तिप्रा लैंड के बारे नहीं बोला, आपका वोट से लोग गया था। हम लोग 2 महीने के अंदर काउंसिल में पहला मीटिंग में ग्रेटर तिप्रा लैंड का बिल, ये फर्क। एक है कमिटमेंट और दूसरा है कॉम्प्रोमाइज। हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है, हम लोग का कमिटमेंट दोफा के साथ है और दोफा हम लोग को ठीक रखेगा और दोफा हम लोग को आगे ले जाएगा। बिलाई नो हम भाई, धन्यवाद, थैंक यू।